घुटने के पीछे की मांसपेशी में हैमस्ट्रिंग्स मसल्स पर, तो थोड़ा सा घुटने को ऐसे बेंड कर सकते हैं। दोस्तों, साइटिका पेन या लोअर बैक पेन एक ऐसा असहनीय दर्द होता है जो कि उठते बैठते हमें बड़ा ही परेशान करता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे योगासन बता रही हूँ जो सिंपल तो है ही, लेकिन इतने ज़्यादा इफेक्टिव हैं कि अगर आप इनका अभ्यास निरंतर करते रहते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में बड़ा ही लाभ होने वाला है। इन सारे आसनों को अच्छी तरीके से देखिए, अच्छी तरीके से समझिए और अपनी लोअर बैक को स्ट्रेंथन कीजिए, अपने पैर की मसल्स को, अपने बॉडी को मजबूती दीजिए ताकि वो दर्द गायब हो जाए। और वो दर्द कब गायब होगा? जब आपकी मांसपेशियों में मजबूती आएगी, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, प्राण ऊर्जा इम्प्रूव होगी। इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके योगा विद शहीदा के परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं योग का अभ्यास मेरी निगरानी में रह के करना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर छोड़ रखा है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको सारी डिटेल भेज दी जाएगी। ये क्लासेस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे से 8 बजे हर रोज़ जूम पे होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले हम अभ्यास कर रहे हैं खड़े होकर किए जाने वाले योगासनों का। सबसे पहला आसन है त्रिकोण आसन, जिसको हम इंग्लिश में ट्रायंगल पोज कहते हैं। इसको करने के लिए दोनों हाथों को ऐसे कमर के ऊपर रखें और राइट साइड अपने पैर को एक्सटेंड कर दें, 90 डिग्री राइट पैर को मोड़ लें, लेफ्ट पैर को 45 डिग्री और दोनों पैरों के बीच में 3 से 3.5 फीट का फासला, अच्छा खासा फासला। गहरी लंबी सांस लें, दोनों हाथों को टीकी पोजीशन पे लेके आएं और सांस छोड़ते हुए राइट पाम से राइट एंकल को पकड़ लें, या तो फ्लोर की तरफ देखें नीचे या तो फिर सीलिंग की तरफ देखें ऐसे ऊपर, और इसका इफेक्ट अपने पैरों पर, पैरों की मजबूती पर, अपने कंधों पर, कंधे पर जो बढ़िया स्ट्रेच मिल रहा है उस पर, कमर की मजबूती पर फील करें। सांस लें और अब राइट पैर को अंदर कर लें 45 डिग्री, लेफ्ट फुट को बाहर की तरफ कर लें। सांस लें और सांस छोड़ते हुए या तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो हाथ को घुटने के ऊपर या घुटने के नीचे या एंकल को पकड़ लें और पॉस्चर को होल्ड करें। बहुत ही अच्छा इफेक्ट पैरों पर। और इस पॉस्चर को मिनिमम 10 सेकेंड रोक के रखें, हर पॉस्चर को 10 सेकेंड रोक के रखेंगे और 3-3 बार अभ्यास करेंगे। नाउ सांस लें, कम टू द सेंटर, दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखा एंड रिलीज कर दें पॉस्चर। बात कर रहे हैं विपरीत वीरभद्र आसन का अभ्यास। कैसे करेंगे इस आसन को? राइट पैर को एक्सटेंड कर दें पीछे, वैसे ही 3 फीट का फासला रख लें दोनों पैरों के बीच में। अब पीछे वाला जो पैर है, राइट पैर, उसको 45 डिग्री मोड़ दें, लेफ्ट पैर को आप 90 डिग्री बाहर की तरफ, लेफ्ट फुट को 90 डिग्री बाहर की तरफ रखें। अब दोनों हाथों को टी की पोजीशन पे ऐसे लेके आए, गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए घुटना बेंड किया, लेफ्ट घुटना बेंड किया और फिर सांस लेते हुए अपने राइट हाथ को अपने लेफ्ट राइट घुटने के ऊपर रख दें और लेफ्ट पाम को सीलिंग की तरफ खींचें, खींचा हुआ महसूस करें। इससे मजबूती पैरों पर आएगी, पूरी लोअर बैक स्ट्रेंथन हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी और सीलिंग की तरफ देख रहे हैं, खिंचाव अपने पूरे लेफ्ट साइड ऐसे महसूस करें, थोड़ा सा बेंड हो गए हैं और कॉन्ट्रैक्शन आपके पूरा राइट साइड आ रहा है इस तरीके से। और फिर वापस से दोनों हाथों को टी की पोजीशन पे लेके आ गए, दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखा और दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़ लिया, एक साइड हो गया, दूसरी साइड इसी तरीके से नाइस एंड स्ट्रॉन्ग खड़े हो गए। अब लेफ्ट पैर को उठाया और इसको एक्सटेंड कर दिया पीछे जितना हो सके ऐसे। अब राइट पैर का पंजा 90 डिग्री आगे, जो पैर आगे है उसको 90 डिग्री सामने की तरफ और पीछे वाला पैर का पंजा ऐसे 45 डिग्री मोड़ लिया। अब घुटने को बेंड कर दिया ऐसे,
सांस लिया, दोनों हाथों को वीरभद्र आसन 2 की पोजीशन पे होल्ड किया, सांस लेते हुए अब राइट हाथ सीलिंग की तरफ खींचिए, लेफ्ट पाम घुटने के ऊपर रखे, ब्रीद करें, सांस लें, सांस छोड़े, सांस लें, सांस छोड़े, 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखें और फिर उसके बाद पॉस्चर को धीरे धीरे रिलीज कर दें। तो इससे मजबूती आपके कमर और पूरी लोअर बॉडी को अच्छी तरीके से मिल जाएगी। ये तो हो गया खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास, अब बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करते हैं। तो अब इसके लिए जिनके घुटनों में दर्द है वो इस तरीके से वज्रासन में ना बैठे, क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ जाएं, ऐसे जिनके घुटनों में दर्द है ऐसे बैठ जाएं, जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो ऐसे वज्रासन में बैठे यानी अपनी हील्स पर बैठे, दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से दोनों घुटनों के बीच में कंधे जितना फासला कर लिया, और इसके पहले कि घुटने में दर्द हो तो आपने ऐसे अपनी मैट को रोल कर लिया और इसको अपने घुटने के नीचे रख लिया ताकि दर्द ना हो। अब घुटने के बल ऐसे खड़े हो गए हैं, दोनों पैरों को भी एक दूसरे से दूर किया कंधे जितने फासले में। तो अभी अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास कर रहे हैं, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अभी डेवलप हो रही है वो ये करें। शुरू शुरू में दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखा, शोल्डर्स को रोल बैक किया, छाती को बहुत अच्छी तरीके से ओपन किया, हिप को आगे की तरफ ऐसे पुश किया और सर को ढीला छोड़ दिया। इससे कमर बहुत मजबूत हो जाएगी, पूरी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, ग्लूट मसल्स को टाइट करके रखें और फिर धीरे 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 सामने ऐसे झुक जाएं और रेस्ट करें। जब आपसे ये अभ्यास बनने लगे, हाफ कैमल पोज अर्ध उष्ट्रासन बनने लगे, तो आप दूसरा अभ्यास करें, जो कि कैसे करेंगे, अपने दोनों पैरों को एक दूसरे के से घुटने जितने हिप कमर जितनी दूरी पर रख लिया, दोनों हाथों को वापस से शोल्डर्स को ऐसे रोल बैक किया, कमर को आगे की तरफ पुश किया, गर्दन को ढीली छोड़े, राइट पाम से अपने राइट हील को पकड़ लिया, लेफ्ट पाम से लेफ्ट हील को पकड़ लिया और गर्दन को ढीला छोड़ दिया। उष्ट्रासन, इसे भी 5 सेकेंड 10 सेकेंड जरूर होल्ड करके रखें और हर एक पॉस्चर को 3-3 बार प्रैक्टिस कर लें। तो ये हो गया हाफ उष्ट्रासन और उष्ट्रासन का अभ्यास। अगला पॉस्चर जो हम कर रहे हैं बैठने वाला, उसका नाम है वक्रासन। स्पाइनल का अभ्यास कैसे करेंगे, राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लिया, राइट पैर के पंजे को लेफ्ट नी के पास रखें ऐसे। अब जो पैर मुड़ा हुआ है उसी हाथ को बॉडी के पीछे रखें, ज़्यादा पीछे ना रखें ताकि झुक जाए, बीच में रखें, है ना, और ऐसे कमर जो है सीधी रखें। अब आपको अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो पहले इजी वाला कर लेते हैं, अपने राइट नी को अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ ऐसे खींचें और पीछे देखें, सांस नॉर्मल लेते रहें और इसको जितना देर तक हो सके होल्ड करके रखें। इससे कमर दर्द की परेशानी, साइटिका पेन की समस्या कुछ ही दिनों में छू मंतर हो जाएगी, यकीन मानिए। और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप लेफ्ट हाथ को सीलिंग की तरफ ऐसे खींचें, सांस लें, पेट को अंदर की तरफ खींचें और इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए अपने राइट पैर की जो एड़ियां हैं, एंकल हैं, उस तक अपना हाथ लेके जाएं जितना हो सके और पीछे देखें ऐसे। तो ये दो तरीके से मैंने आपको स्पाइनल ट्विस्ट बता दिया, पीछे देखेंगे ऐसे और जितना देर हो सके इसको होल्ड करके रखें, मिनिमम 10 सेकेंड तो होल्ड करके रखना ही है। ये हो गया वक्रासन का अभ्यास, इसी को आप लेफ्ट साइड भी इसी तरीके से करेंगे कि पहले लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ लिया, राइट अब लेफ्ट जो पैर मुड़ा हुआ है उसी हाथ को बॉडी के पीछे रखा, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने लेफ्ट एंकल को पकड़ लिया और पीछे देख रहे हैं। ये पीछे देखना बहुत ज़रूरी है, ट्विस्ट तभी आएगा। सांसें नॉर्मल लेते रहे, मिनिमम 10 सेकेंड तक रोके, 30 सेकेंड तक रोके और हर पॉस्चर को 3-3 बार अभ्यास करें। इफेक्ट स्पाइनल कॉर्ड पर, पेट पर, अपनी कमर पर, सब जगह फील करें।
और फिर पॉस्चर को रिलीज कर दें। अभ्यास कर रहे हैं हम भुजंग आसन का। भुजंग आसन का अभ्यास करने के लिए आप आराम से इस तरीके से अपनी पेट के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़ लें और अपने बड़े अंगूठे को बाहर की तरफ ऐसे कर दें और अपने एंकल्स को फ्लेक्स कर दें, दोनों पाम्स को अपनी छाती के पास रखें और शोल्डर्स को भी रिलैक्स कर दें, हेड को फोरहेड को मैट पर ड्रॉप कर दें। गहरी लंबी सांस लें, हेड अप चेस्ट अप, सांस लेते हुए बाजुओं को पुश करते हुए मैट पर इस तरीके से उठे, पूरा हाथ ऐसे एल्बो सीधा ना करें, ये चीज गलती ना करें, बहुत से लोग करते हैं। तो नाभि को मैट पर रहने दें, नेवल रीजन को मैट पर रहने दें, ऐसे उठाएं और आर्च करें, सीलिंग की तरफ देखें और सांस छोड़ते हुए हेड डाउन चेस्ट डाउन। दो बार और कर लें इसी तरीके से, सांस लें और शोल्डर्स को रोल बैक करते रहें ताकि कान कंधे से दूर है, कान कंधे से दूर है और कोई भी टेंशन नहीं है, सीलिंग की तरफ देखें। 1 2 3 4 5 डाउन, सांस लें और सांस छोड़ें। भुजंग आसन के बाद हम अभ्यास कर लेते हैं अपनी लोअर बैक को स्ट्रेंथन करने के लिए शलभासन का। दोनों हाथों को ऐसे आप अपने कमर के अंदर, अपने बॉडी के अंदर ऐसे टक कर लें, सिर को मैट पर ड्रॉप करें ऐसे और फिर एक पैर को उठाएं, इनहेल करें, एक्सहेल करें, राइट पैर डाउन, लेफ्ट पैर अप, इनहेल एंड एक्सहेल, सांस लें, दाहिने पैर को उठाया और सांस छोड़ें, ड्रॉप कर दें, सांस लें, लेफ्ट पैर को उठाया और सांस छोड़े, लेफ्ट पैर को ड्रॉप कर दे, राइट अप, इनहेल एंड एक्सहेल। इससे लोअर बैक बड़ी स्ट्रेंथन हो जाएगी, आपका जो ग्लूट मसल्स है ना, ये वाली मसल्स है, इनको टाइट करके रखिए, थाइस को टाइट करके रखिए ऐसे और चिन को मैट पर लगा के रखिए एंड ड्रॉप कर दें। फिर उसके बाद, इस अभ्यास के बाद आराम से ऐसे लेट जाए मकर आसन में। अपनी पीठ के बल ऐसे लेट गए हैं और हम अब कर रहे हैं सेतु बंध आसन का अभ्यास, या इंग्लिश में इसे ब्रिज पोज कहते हैं। दोनों पाम्स को बॉडी के साइड में रखा है ऐसे, दोनों घुटनों के बीच में कंधे जितना फासला रख लिया ऐसे और आराम से लेट कर इनहेल करें हिप अप, एक्सहेल करें हिप डाउन, इनहेल करें हिप अप और अपनी ग्लूट मसल्स को टाइट करके रखें, अपनी थाइस को टाइट करके रखें, पेट की जो मांसपेशियां हैं इसको भी इंगेज करके रखें, एक्सहेल डाउन और पूरा ध्यान अपनी लोअर बैक पर रखें। जिस भी अंग पर आपको काम करना है अपना ध्यान वहां पे लेके जाएं एंड एक्सहेल डाउन। इस तरीके से हम कर लेंगे ब्रिज पोज का अभ्यास। ब्रिज पोज का अगला एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेच है जिसका नाम है ऐसे सोए सोए ही सुप्त पादंगुष्ठासन। तो इस तरीके से लेट गए, दाहिने पैर को उठाया, राइट फुट को, राइट बिग टो को राइट इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से ऐसे पकड़ लिया ऐसे और धीरे धीरे इसको सीधा किया ऐसे। अगर हैमस्ट्रिंग्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो घुटने को हल्का सा बेंड रहने दें ऐसे। अगर आपके सर्वाइकल पेन है तो गर्दन डाउन रहने दें और अगर कोई पेन नहीं है तो सांस लें और सांस छोड़ें, सांस लें और हेड अप चेस्ट अप, सांस को अंदर रोक के रखें, नाउ वापस से डाउन, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस ले लें, हेड डाउन। और इसको थोड़ा और अगर आपको दिक्कत आ रही है इस तरीके से पकड़ने में तो आप कोई दुपट्टा या स्ट्रैप का सहारा लेके इसका अभ्यास कर सकते हैं। दुपट्टे या स्ट्रैप को कैसे फंसाना है, लेफ्ट पैर पे ऐसे दुपट्टे को फंसाया और कोशिश करें कि हाथ को अपने एल्बो से सीधा रखें ऐसे और जो पैर नीचे है उसको भी सीधा रखें ऐसे और खींच के रखें। एल्बो ऐसे झुका के ना रखें अपनी तरफ, बहुत टाइट करके ना रखें, एल्बो को भी यानी अपनी कुहनी को भी सीधा करके रखें और ऐसे होल्ड करके रखें।
अगर बहुत खिंचाव आ रहा है अपने घुटने के पीछे की मांसपेशी में हैमस्ट्रिंग्स मसल्स पर, तो थोड़ा सा घुटने को ऐसे बेंड कर सकते हैं। सांस ले, सांस छोड़े, हेड अप चेस्ट अप, सांस ले हेड डाउन। ज्यादा देर तक होल्ड करना है तो थोड़ा इसको होल्ड करके रखें ऐसे, और फिर उसके बाद इसको छोड़ दें। तो कम से कम 30 सेकेंड इसको होल्ड करके रखें, राइट पैर से और लेफ्ट पैर से। फिर उसके बाद शवासन में लेट जाएं, दोनों हाथों को एक दूसरे से दूर कर दें, आराम से शवासन में लेट जाएं, रेस्ट करें। दोस्तों आशा करती हूँ आज की वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए बड़ी ही लाभदायक हुई होगी। आप सारे पोस्चर्स को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी किसी भी तरीके का कोई भी सुझाव है, कुछ जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करने में बिल्कुल भी झिझक मत महसूस करना। मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के और उनका रिप्लाई करने में। आप सभी अपना ध्यान रखें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, इस वीडियो को दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट वीक आप सभी से वापस से मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। नमस्ते।